नमस्कार। आज जो प्रैक्टिकल हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं उसका है, उसका नाम एम है स्टडी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन मॉडेम। आज जो प्रैक्टिकल है इसमें हमने FS के मॉडेम को सेलेक्ट किया है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। वैसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडेम क्या है। मॉडेम जो है ये एब्रीवेशन है किसका, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का। तो मॉड्यूलेशन का MOD ले लिया और डी मॉड्यूलेशन का DEM, तो ऐसा मिला कि हमने ये वर्ड का तैयार कर लिया है मॉडेम। और मॉडेम एक ये बेसिकली DC ही कंपोनेंट है। DC का मतलब होता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। जैसे आप जानते हो डेटा कम्युनिकेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, DTE एंड DCE। तो DTE बेसिकली इसका नाम है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, जो कि सोर्स या डेस्टिनेशन का काम करता है। बेसिकली ये डेटा जनरेट करता है या डेटा को कंज्यूम करता है। उसी तरीके से जो दूसरा कंपोनेंट है DCE, इसका नाम जिसका फुल फॉर्म है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये जो डेटा है DTE से जो डेटा आता है उसको वो चैनल पे ट्रांसमिट करता है, या जो चैनल से डेटा आता है वो उसको DTE को देता है। तो DC जो हमारा जो मॉडेम है वो DC इक्विपमेंट है, और उसको हम आज हम डिटेल में देखेंगे। अब मॉडेम जिससे मैंने बताया कि एब्रीवेशन है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का, तो मॉडेम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना। दूसरा फंक्शन होता है इसका सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करना और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करना। और इसका एक और फंक्शन है मॉड्यूलेशन करना और डी मॉड्यूलेशन करना। ठीक है, तो ये इसके तीन बेसिक फंक्शंस हैं। अब हम जब हम ट्रांसमिट करने की बात करते हैं, जब हमारा DTE को डेटा अपने लाइन पे या चैनल पे ट्रांसमिट करना है, उस केस में क्या करेंगे कि आपका जो मॉडेम है एज ए ट्रांसमीटर का काम करेगा। जब हम ट्रांसमिटिंग मोड में रखते हैं मॉडेम को, तो उस केस में DTE का डेटा जो कि डिजिटल फॉर्म में रहता है और पैरेलल फॉर्म में रहता है, क्योंकि हमारा जो जो डेटा जनरेट करता है कंप्यूटर वो डिजिटल होता है, तो वो डेटा को हमको लाइन पे ट्रांसमिट करना है। जो लाइन होती है वो एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करती है। दैट मीन्स एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि उस लाइन की बैंडविड्थ कम होती है, और जब बैंडविड्थ कम होती है तो हमारा जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो कंप्यूटर से जो डेटा आया है उसको डिजिटल फॉर्म में है उसको हमको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा मॉडेम का रोल शुरू होता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मॉडेम को हम कम यूज़ करते हैं जब हमको डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट करना है। ठीक है, जब हमको लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा कम्युनिकेट करना है उसका उस समय हमको मॉडेम का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम मॉडेम का यूज़ कर रहे हैं तो हमको डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैरेलल डेटा को सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा और डी मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। ये हमारे फंक्शंस होंगे। जब हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उस केस में जो DTE से जो डेटा आ रहा है वो आपका डिजिटल फॉर्म में है, तो मॉडेम उस डिजिटल फॉर्म को डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। DTE से जो डेटा आ रहा है वो पैरेलल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे आप मॉडेम को पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो डेटा हमको DTE से मिल रहा है हमको वो सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट करना है या प्रोपोगेट करना है, इसलिए हमको उसको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडेम का यहाँ पे हमारे तीन बेसिक फंक्शंस आए, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करना, मॉड्यूलेशन करना और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना। ठीक है, अब ये कन्वर्जन क्यों करना पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी लाइन है जो हमारा चैनल है उसकी बैंडविड्थ कम होती है, इसलिए हमको डेटा सीरियल फॉर्म में एक तो इसकी बैंडविड्थ कम होती है और दूसरा हमको जो डेटा है वो सीरियल फॉर्म में ट्रांसमिट करना होता है। जब हम सीरियल फॉर्म में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए हमको पैरेलल डेटा को सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट करना है इसलिए हमको मॉड्यूलेशन करना है, और ये सब काम हमारा मॉडेम करेगा। ठीक है, अब मॉडेम को अगर हम बात करें तो मॉडेम कई टाइप के होते हैं। उसको अगर हम क्लासिफाई करें तो उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हम कितने किस स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट करना है, उसमें उसके हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है कि उसका मॉड्यूलेशन मेथड कौन सा यूज़ कर रहा है, AM कर रहा है, FM कर रहा है या ASK कर रहा है, PSK कर रहा है, तो इससे भी हम उसको क्लासिफाई करते हैं। और कई तरीके मेथड है, कई तरह के
पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हम मॉडेम को क्लासीफाई करते हैं। आज जो हम मॉडेम यहाँ पर देख रहे हैं वो FSK मॉडेम है। FSK बेसिकली ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। डिजिटल मॉड्यूलेशन जिसे हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन दो टाइप के होते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम AM मॉड्यूलेशन, FM मॉड्यूलेशन और PM मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। उसी तरीके से हम डिजिटल मॉड्यूलेशन में ASK, FSK और PSK की बात करते हैं। तो ये जो FSK मेथड है, FSK मेथड का ही हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन मेथड जो है कि मॉडेम में ले रहे हैं और FSK मॉडेम को ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब FSK होता क्या, जैसे मैंने बताया कि ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम लोग जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं चैनल पे वो Logic 1 या Logic 0, दैट मीन्स हम बाइनरी बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं 1 और 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम Logic 1 या 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रखते हैं से F1, और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेकेंड फ्रिक्वेंसी रखते हैं से F2। तो F1 और F2 के बीच में यहाँ पे स्विचिंग होती रहेगी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग। मतलब एक फ्रिक्वेंसी इज फॉर 1 एंड सेकेंड फ्रिक्वेंसी इज फॉर 0। तो यहाँ पे जो है कि आपकी फ्रिक्वेंसी 1 एंड 0 1 एंड 0, मतलब एक फ्रीक्वेंसी और दूसरे फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होती रहती है, इसलिए इसका हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। अब हमने ट्रांसमिटिंग साइड का तो देख लिया कि हमको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना पड़ता है और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करना पड़ता है और मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। उसी तरीके से जब हम रिसीविंग साइड पे होते हैं तो रिसीविंग साइड का जो मॉडेम है उसको इसका ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। जैसे जो भी डेटा सिग्नल आ रहा है चैनल से तो वो आपका सीरियल फॉर्म में आएगा, तो उसको रिसीविंग साइड का मॉडेम है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करेगा, और जो डेटा चैनल से आ रहा है वो एनालॉग फॉर्म में है तो वो उसको एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और जो डेटा हमको रिसीव करना है, डिकोड करना है, तो वो उसके लिए हमको डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। तो जो ट्रांसमिटिंग साइड में हमने जो मॉड्यूलेशन मेथड यूज़ की है वही हमको रिसीविंग साइड पे भी मॉड्यूलेशन मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे हमने ट्रांसमिटिंग साइड पे FSK मॉड्यूलेशन यूज़ किया है तो हमको रिसीविंग साइड पे भी FSK मॉड्यूलेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रांसमिटिंग साइड पे FSK मॉड्यूलेशन हुआ तो रिसीविंग साइड पे FSK डीमॉड्यूलेशन होगा। तो रिसीविंग साइड पे जो बेसिक फंक्शन है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करना, एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करना और डीमॉड्यूलेशन करना। अब जो ये जो सिग्नल आ जाता है जब डिजिटल फॉर्म में डेटा आ जाता है या जो रिसीविंग साइड में डिकोड कर लिया वो सिग्नल, फिर हम क्या करते हैं सेकेंड एंड पे कंप्यूटर को दे देते हैं और वो वहाँ पे फिर वो इन्फॉर्मेशन को अपने पास में कंज्यूम कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो ये हमारा पूरा मेथड होता है ट्रांसमिटिंग साइड में और रिसीविंग साइड में। तो मॉडेम दोनों तरीके से काम करता है, ट्रांसमीटर के जैसा भी काम करता है और रिसीविंग के जैसा भी काम करता है, और वाइस वर्सा भी। थ्रू ट्रांसमिटिंग साइड पे मॉडेम ट्रांसमिट भी करेगा, रिसीव भी करेगा, और रिसीविंग साइड पे मॉडेम रिसीव भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा। आगे आगे की चीज़ आपको नायर सर बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, डेटा कम्युनिकेशन का लाभ में आगे का प्रैक्टिकल है मॉडेम ट्रेनर के बारे में है। मॉडेम आपने अपने घर में देखा होगा और इसका काम है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन का शॉर्ट फॉर्म है मॉडेम। मॉडेम कंप्यूटर से लगता है और इसका आप जो अलग अलग यूज है, जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो मॉड्यूलेट करते हैं, डीमॉड्यूलेट करता है, और इसको अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अपने पास एक ट्रेनिंग किट है, उसका एक ट्रांसमीटर साइड भी है, रिसीवर साइड भी है, दो किट यूज़ करते हैं। एक अपन ट्रांसमीटर भी करेंगे, रिसीव भी करेंगे, दूसरा भी एक और किट है वो भी रिसीव करेंगे, रिसीविंग एंड में रहेंगे, वो भी रिसीव करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मॉडेम से सिग्नल लैपटॉप में, मोबाइल में और कंप्यूटर में और प्रिंटर के तरफ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। इसी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशंस मॉडेम के तरफ भी ट्रांसमिट होता है और इसका दूसरी यूज़र के पास भी सेम प्रोसेस होगा। आपने जो भेजा हुआ सिग्नल है उसको वापस उनको मिलेगा, जैसा कि लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर या
कंप्यूटर। आप लोग अपने घर में मॉडम को इस रूम में देखा होगा, आजकल का लेटेस्ट मॉडम है। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं दो FSK डेटा मॉडम ट्रेनर आपका सामने है। एक में से डेटा सेंड भी करेंगे, दूसरे जगह से रिसीव भी करेंगे। उसी हिसाब से इसमें भी डेटा सेंड भी करेंगे, रिसीव भी करेंगे। अब आप ये थोड़ा सा सर्किट डायग्राम के तरफ आ जाइए, इसका कनेक्शंस के तरफ आ जाइए। इसमें टोटल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कनेक्शंस है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इसी चीज़ को अपन तीन कनेक्शंस ऐसा है, एक ट्रेनर से दूसरे ट्रेनर के बीच में। जब अपन ये वायर से कनेक्ट किया है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तीन कनेक्टर से। इसका अलावा इंटरनली जो कनेक्शंस हैं एक एक कनेक्शन से एक दूसरा है। अब आप सीधा डायरेक्ट किट में आ जाइए। इस मॉड्यूलेटर से मॉडम से मॉड्यूलेट होके सिग्नल दूसरी रिसीवर साइड में जाएंगे और दूसरी मॉडम ट्रेनर का ट्रांसमिटिंग सिग्नल यहाँ से दूसरे तार से सेंड करके फर्स्ट रिसीवर में जाएंगे, यानी कि दोनों ट्रांसमिट भी करेंगे रिसीव भी करेंगे। आगे ये एक और कनेक्शन है, अपने इसको ग्राउंड करेंगे। जैसे कि सर ने बताया आप कनेक्शंस के बारे में, अब हम अपना वेरिफिकेशन या डेटा ट्रांसमिशन ऑन करते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों ट्रेनर बोर्ड को हमने ऑन कर दिया। जब जैसे हम दोनों ट्रेनर बोर्ड ऑन करते हैं तो उसके बाद में दोनों साइड पे आप देखोगे डेटा मॉडेम सेलेक्ट मोड, दोनों ही मॉडेम ने क्या किया इनिशियलाइज किया और सेलेक्ट मोड कर लिया है। जब हम सेलेक्ट करना, जो सेलेक्ट मोड में बेसिकली हमें क्या करना है कि हमको एक को ट्रांसमिट करना है और एक को रिसीव करना है, दूसरे को इसको हम ट्रांसमिट करेंगे तो इसको रिसीव करेंगे या इसको ट्रांसमिट करेंगे तो इसको हम रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, हमने 1 दबाया तो ये ट्रांसमिट मोड में आ गया। उसी तरीके से हमने इसके इसमें रिसीविंग के लिए 2 दबाया तो ये रिसीविंग मोड में आ गया। आप देख सकते हो जैसे ही रिसीविंग मोड में आ गया वो, अब हमें को अगले क्या करना है कि हमको डेटा ट्रांसमिट करना है। तो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हमने क्या किया है कि ट्रांसमिटिंग साइड से हमने कीज प्रेस करना शुरू कर दिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसमिट किया, जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसमिट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वही डेटा आपको रिसीविंग साइड पे मिलेगा। वही डेटा हमने ट्रांसमिट किया वही हमको रिसीविंग साइड पे मिलेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमको मिल गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी डेटा हमें ट्रांसमिट किया है वो फर्दर एंड पे हमको रिसीव मोड में मिल गया। इस केस में हमने फर्स्ट केस में इसको हमने ट्रांसमीटर बनाया था और इसको हमने रिसीवर बनाया था। अब हम क्या करते हैं इसको रिसेट करते हैं फिर से और हम अपोजिट करते हैं, जिसको हमने पहले ट्रांसमिट बनाया था अब हम उसको रिसीवर बनाएंगे और जिसको हमने रिसीवर बनाया था उसको हम ट्रांसमिट बनाएंगे। तो हमने पहले इसको इस वाले को ट्रांसमिट बनाया था, अब हम इसको रिसीव बनाते हैं और इसको हमने ट्रांसमीटर बनाया, इसको रिसीवर बनाया था हमने इसको ट्रांसमीटर बना दिया, ठीक है। अब हमने ट्रांसमिट बना दिया, अब हम ट्रांसमिट करेंगे यहाँ से डेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने ये डेटा ट्रांसमिट कर दिया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमको वही डेटा
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमको यहाँ पे रिसीव मिल रहा है। दैट मीन्स अब जो सेकंड जो मॉडेम था अब उसने डेटा ट्रांसमिट किया और वही की वही डेटा हमको यहाँ पे रिसीव मिल गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन हमारा दोनों साइड पे हो रहा है, एक ट्रांसमिट कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है और वाइस वर्सा ट्रू हो रहा है। तो इस तरीके से मॉडेम हमारा डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है और दोनों ही मॉडेम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और एक मॉडेम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा डेटा कम्युनिकेशन का, इसी के मदद से हम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कर पाते हैं, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर पाते हैं और सीरियल टू पैरेलल और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट कर पाते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरीके से डेटा कम्युनिकेशन मॉडेम वर्क करता है, जिसमें एक को हमने ट्रांसमीटर बनाया तो दूसरे को रिसीवर बनाया और फिर दूसरे बार हमने दूसरे को ट्रांसमीटर बनाया और पहले को रिसीवर बनाया। तो दोनों ही केस में हमने देखा कि डेटा दोनों ने ट्रांसमिट भी किया और रिसीव भी किया। इस तरीके से हमने अपना डेटा कम्युनिकेशन मॉडेम को हमने वेरीफाई किया कि हमारा दोनों ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं और विदाउट एरर हमको डेटा दोनों को ही डेटा रिसीव हो रहा है।